How are you, Tina? ऐसे क्यों दिख रही हो? तकरीबन वही चेहरा दीदी, वही चेहरा। टीना, ये आकाश मेहरा है, डिंगी का होने वाला पति। क्या? और आज उनकी सगाई हो रही है। टीना दीदी, दीदी इस किडनैपर के साथ सगाई कर रही है? टीना, टीना तुम्हें पूरा यकीन है ना कि आकाश ही किडनैपर है? हाँ हाँ दीदी, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। देखिए दीदी, इस किडनैपर की सगाई, सगाई हो रही थी पर अब नहीं। टीना, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। टीना टीना, अच्छा इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। देखो मेरी बात सुनो, टीना मेरी बात सुनो, बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने घर में हो। ओके टीना, जस्ट रिलैक्स, मैं अभी आती हूँ, कुछ नहीं होगा टीना, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आकाश ने वाकई टीना को किडनैप किया था तो कोई भी इंसानी चेहरा एतबार करने लायक नहीं है। शराफत का मुखौटा लगाए ये आदमी दरअसल कितना खतरनाक है। हाय दीदी। दीदी रोहन, एक मिनट जरा सुनोगे? क्या हुआ? एक मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या? एक्सक्यूज। एक मिनट मेरे साथ कमरे में चलो। क्या बताना चाह रही हो? एक्चुअली बात यह है कि पुत्र वहाँ सब सगाई का इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ किस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला के लाई है हमें? बाबूजी वो दरअसल बात यह है कि बाबूजी टीना का विश्वास है कि उसका जो किडनैपर है उसकी आवाज और आकाश की आवाज एक ही है। वही हाइट, वही बॉडी, तकरीबन वही चेहरा। बाबूजी बहन से पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, कह रहे थे कि बहुत डिंगी में। शायद मुझे गलतफहमी हुई है कि हमारी सगाई आज ही है। अरे गलतफहमी क्यों, आज ही तो है। तो फिर ये डिले किस बात का हो रहा है? अरे हम जीजा जी का इंतजार कर रहे हैं। अरे तो
जीजा जी के लिए एक्शन रिप्ले कर लेंगे। सैम आप प्लीज कहिए ना सबसे कि जल्दी करें। हाँ, मैं कहता हूँ आप लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? बस एक मिनट, आई जस्ट फाइंड आउट। मम्मी जी क्या है, इतना डिले क्यों हो रहा है? आकाश पूछ रहा है कि बाबूजी पीछे को है कहाँ वो लोग? वो दीदी उन सबको शायद ऊपर ले गई किसी काम से। चल देखते हैं। बीजी बाबूजी आप लोग यहाँ बैठे और अच्छा मेरे आप लोग यहाँ आ गए। मम्मी जी बहुत जरूरी बात कहनी है आप लोगों से। अरे भाई सगाई हो जाए उसके बाद आराम से बात करते हैं। चलो इस सगाई के बारे में ही तो बात कर रही है। क्या फिलहाल ये सगाई टालनी पड़ेगी? पर क्यों? क्योंकि ये आकाश मेरा वही आदमी है जिसने टीना को किडनैप किया था। जी मम्मी जी। अनु डिंगी से कह दो कि सगाई पोस्टपोन कर दी गई है। सब ठीक हो जाएगा टीना। मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल मत डरो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। अनु भाभी क्या हुआ, कहाँ है सब लोग? आकाश कब से इंतजार कर रहा है? अफसोस मिस्टर आकाश मेरा, लेकिन आपका इंतजार अब थोड़ा और लंबा हो जाएगा। क्या मतलब? कुछ बहुत ही पर्सनल रीजंस की वजह से ये एंगेजमेंट अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। क्या? किसने की मेरी सगाई पोस्टपोन? बस टिंगी बस, दरअसल मुझे हैरानी हो रही थी कि अब तक इन रईसों ने कोई तमाशा क्यों नहीं किया। इन अमीरों को चोचले दिखाने थे तो दिखा दिया कि मुझ गरीब को एक रस्म के लिए बुलाकर इस घर में जलील करके उल्टे पांव लटा सकते हैं, क्योंकि इनका आज सेरेमनी करने का मूड नहीं कर रहा है। अरे ये अमीर पैसे की ताकत की जब तक नुमाइश नहीं लगाएंगे तब तक अपने आप पर अपनी अमीरी कैसे साबित करेंगे? लेकिन डिंगी इन्हें एक गरीब की खुददारी का तजुर्बा नहीं। तुम्हारी खुददारी का तजुर्बा मैं इन्हें करवाऊंगी। कहाँ है सब लोग? टीना के कमरे में। बाऊजी, I can't believe this। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों ने मेरी सगाई पोस्टपोन कर दी। ज्यादा बौखलाने की और तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तू अपना दिमाग गर्म करके बात सुनेगी तो तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इतना समझ में तो आता है कि आप लोगों ने मेरी सगाई पोस्टपोन कर दी है, पर क्यों? अपनी आवाज का सुर धीमा कर डिंगी। अगर हम सब ने यहाँ बैठकर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। अभी तक हम तेरी हर बात सुनते आ रहे हैं डिंगी, अब तेरी जिद के आगे उतना ही झुकेंगे जितना हमें झुकना चाहिए। हम कहेंगे और तू सुनेगी। अनु सबसे पहले तो तुम आकाश को जाकर कह दो कि वो चला जाए। अनु भाभी आप कहीं नहीं जाएंगी, आकाश यही रहेगा। मुझे बताइए तो सही क्या कि हुआ क्या है? आकाश के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने हम सबको उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए मजबूर किया है। और आकाश के बारे में हम तो उतना ही जानते हैं ना जितना तुमने या खुद आकाश ने हमें बताया था। मुझसे पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? शादी मैं कर रही हूँ आकाश से, उसका जो भी असर होगा वो मुझ पर होगा, तो वो रिस्क लेने को मैं तैयार हूँ। क्यों? तू आसमान से टपकी है, तू अपनी जिंदगी के लिए रिस्क लेगी और हम देखते रहेंगे? तेरे रिस्क का क्या हम लोगों पर असर नहीं पड़ेगा? ये तेरे भाई बहन माँ बीजी मैं कुछ नहीं लगते हम तेरे? खेती है मेरी जिंदगी है। कोई भी जिंदगी किसी एक अकेले की कैसे हो सकती है जबकि हर जिंदगी को रचने वाले कम से कम दो इंसान होते हैं। और ये तेरी माँ तुझे उसके हवाले तो कभी नहीं करेगी जिसके ऊपर किडनैपिंग का आरोप है। किडनैपिंग का आरोप? हाँ,
टीना की किडनैपिंग का आरोप। टीना ने उसकी आवाज पहचान ली है डिंगी। बकवास कर रही है ये। टीना बकवास क्यों करेगी? वो बकवास इसलिए करेगी क्योंकि वो सौतेली है। चुप हो जा डिंगी। मैं चुप रहूं और ये बकवास करती रहे? डंक मारती है ना तुझे मेरी खुशियाँ? इसी बात गई है। मुझे खुश देखकर एक नया नाटक शुरू कर दिया। जब से मेरी जिंदगी में आई है जहन्नुम बना दिया है। डिंगी होश में आओ। अब अगर आकाश के बारे में कुछ कहा तो मैं तुझे डिंगी क्या करनी तू बता? इसने कोई बेहुदा कहानी सुनाई और आप सबने मान लिया? हाँ यकीन कर लिया और अब तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ। तब तक ये बात समझ नहीं जाती कोई बात नहीं होगी इस बारे में। डिंगी इस कमरे से बाहर जा। मैं कहती हूँ बाहर जाओ। अब क्या करना है? होना क्या है, तय किया है वही होगा। हम टीना को लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे और टीना आकाश मेहरा के खिलाफ बयान देगी। आकाश, 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 चाहे जो इल्जाम लगा ले, लेकिन मैं आकाश से ही शादी करूंगी। सुन लिया सबने? मैं आकाश से ही शादी करूंगी। मम्मी जी मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप कब इसकी अपनी और कब मेरी सौतेली हो गई। कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मैं जिसकी अपनी थी उसी की अपनी हूँ और ये तेरी गलत फहमी है कि इन दिनों मेरा कोई अपना हुआ है। इस बात पर हम बात क्या करनी है? जो है वो दिख रहा है। अब या तो तू अपनी माँ पर यकीन कर या अपनी आंखों पर। बस मेरी खातिर इतना साबित कर दीजिए कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ और ये जो है वो आपकी सौतेली। टीना को तुम उससे डिस्कस मत कर। रही बात तेरी तो ये बड़े अफसोस की बात है कि 20 साल की बेटी पर एक माँ को अपनी ममता साबित करनी पड़े। जिंदर जी आपकी गलती की सजा आज एक माँ को भोगनी पड़ रही है। अपने ही घर में मेरे ही कोख से जन्म लिए बच्चे आज मुझे कहते हैं कि मैं अपनी ममता साबित करूं। मुझ पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैं सौतेली की ज्यादा अपनी हो गई हूं और इस आरोप की वजह आप है। जो विश्वासघात आपने किया उसके बाद इस घर में किसी का भी किसी पर विश्वास नहीं रहा और इस अविश्वास में मेरे सगे बच्चे भी सौतेले हो गए। और आप मेरे पुराने सवालों के जवाब तो छोड़िए, फिलहाल ये भी नहीं बता सकते कि ऐसे हालात में मैं क्या करूं। सगे के साथ सौतेला व्यवहार करूं या सौतेले के साथ सगा? डरने की कोई जरूरत नहीं है टीना, तुम बेझिझक अपना बयान दे सकती हो। हाँ बेटा, सच्चाई बोलने से बच्चे कभी नहीं घबराते। देखो तुम बहुत प्यार करती हो ना अपनी डिंगी दीदी से। हाँ बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरा विश्वास करो, ऐसा करके तुम अपनी डिंगी दीदी के साथ बहुत अच्छा करोगी। तो बताओ टीना तुम्हें किस पे शक है? शक नहीं पूरा यकीन है। आकाश मेहरा, आकाश मेहरा ने मुझे किडनैप किया था। उन्हें और उनकी आवाज को अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। Are you sure, Tina? I'm very sure. By the way, कहाँ रहता है आकाश मेहरा? Second floor, Park Apartments, Oliver Street. Okay. तुम्हें देखकर तो कांच को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। इस कदर टूटे बिखरे हो के तुम्हारे होते होते ना होने वाले ससुराल से जब मैं यहाँ आ रही थी ना,
तो मिस्टर आकाश मेहरा का आकाश कहीं पड़ा था और मेहरा कहीं? उल्टे पांव लौट जाओ अनु, सांप के बिल में हाथ मत डालो। तुम तो वो सांप हो गए हो आकाश, जिसमें ना जहर रहा है ना डंक। इनफैक्ट तुम्हारे जैसे सांप और बेजान रस्सी में तो कोई फर्क ही नहीं। याद है वो अंगूठी जो तुमने मेरे पैसे से डिंगी के लिए खरीदी थी? अब वो तुम अपनी उंगली में डालो और हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पुलिस तो निकल ही चुकी होगी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। टीना को किडनैप करने का संगीन जुर्म जो किया है तुमने, कम से कम 4-5 साल के लिए तो गए ही समझो। अब जब तुम बाहर आओगे ना, हम तब मिलेंगे। अनु, अनु, I'm sorry, अनु। अनु, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अनु, प्लीज। I'm sorry, आकाश, लेकिन मैंने आस्तीन के सांप पालना बंद कर दिया है। बाय। आज शाम को टीना क्रिसमस पार्टी के लिए जा रही है। आकाश, तुम उसे वहीं से किडनैप कर लेना। पर उस टीना से मेरा क्या लेना देना? मैं क्यों करूं उसे किडनैप? मेरे खाते नहीं तो कुछ 1,000 pounds के लिए। एक बात हम दोनों में कॉमन है अनु, हम दोनों को ऐसे छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर रखने का और उन पर रिकॉर्डिंग करने का बड़ा शौक है। मिलोर्ड, मिलोर्ड, मैं मानता हूं कि इस बच्ची को मैंने किडनैप किया है, मिलोर्ड, मैंने, पर वो गुनाह करते वक्त मेरे जिस पर मेरे हाथ नहीं थे, मिलोर्ड, मिसेस अनु सिंह के हाथ थे, मिसेस अनु सिंह के। मिलोर्ड, मैं मानता हूं कि मेरा अपराध मेरी लालच है, मिलोर्ड, मेरी लालच, पर ये पाप अनु सिंह के सर जाता है, अनु सिंह के सर, मिलोर्ड। मैं तो जेल जा ही रहा हूं, पर आपको भी बहुत जल्द वहां बुलाने वाला हूं। हाँ, अगर आपका जेल जाने का प्रोग्राम ना हो तो आपको अपने आप को बचाने के लिए मुझे बचाना पड़ेगा मैम। यस पुलिस। मिस्टर आकाश मेहरा, I am under arrest. I know that. Let's go. ये जब भी डूबेगा, अकेला तो हरगिज नहीं, मुझे भी साथ लेकर डूबेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।